हेलो एंड नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर योगेंद्र और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल डॉक्टर योगेंद्र बोला एंड हेल्थ टिप्स। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पर बात करने वाले हैं और ये जो विषय है ये छोटे बच्चों में जो दांत पीसने की जो समस्या है, इसको हम हमारे मेडिकल भाषा में टीथ ग्राइंडिंग या ब्रक्सिज्म भी बोलते हैं। दोस्तों, दांत पीसने के पीछे क्या क्या कारण है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ टीथ ग्राइंडिंग, इसकी वजह से बच्चों में क्या बुरा असर पड़ता है और इसका इलाज कैसा करना है, हाउ टू ट्रीट दिस प्रॉब्लम, आज इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि टीथ ग्राइंडिंग यानी दांत पीसने के पीछे छोटे बच्चों में प्रमुख कारण कौन से हैं। सबसे पहले प्रमुख कारण है प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं होना दांतों का। जो टीथ का अलाइनमेंट है वो सही नहीं होने की वजह से ये देखा जाता है। सेकेंड कॉज है छोटे बच्चों में किसी भी तरह का दर्द होना, जैसे कि कान में दर्द होना, ईयर एक होना, टीथिंग प्रॉब्लम होना या रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होना, जुखाम खांसी बुखार होने की वजह से भी देखा जाता है। थर्ड प्रमुख कारण है स्ट्रेस। छोटे बच्चों में किसी भी तरह का स्ट्रेस हो तो भी हम ये देखने मिलता है, जैसे कोई एग्ज़ाम का स्ट्रेस हो, छोटे बच्चों में कोई रूटीन चेंज हो गया हो, मानो कि उसकी स्कूल चेंज हो गई हो, उसके कुछ नए फ्रेंड्स बन गए हो, नई जगह, नए फ्रेंड्स, नए स्कूल, इस वजह से भी हम देखते हैं कि स्ट्रेस की वजह से भी छोटे बच्चों में टीथ ग्राइंडिंग देखा जाता है। फोर्थ है कुछ मेडिकल रीजंस, जैसे कि कुछ बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, ज़्यादा एक्टिविटी, हाइपर एक्टिव सिंड्रोम होता है उनको, उनमें देखने मिलता है। कुछ बच्चों को जन्मजात सेरिब्रल पाल्सी होता है, डिलीवरी के समय कुछ दिक्कत की वजह से उनका जो ब्रेन है सही विकसित नहीं होता। कुछ तरह की दवाइयाँ होती हैं, कुछ टाइप्स ऑफ मेडिसिन होती हैं। और जो आखिरी कारण है वो है वर्म्स, पेट में कीड़े होना। इन कारणों की वजह से हमको टीथ ग्राइंडिंग, दांत पीसना, ये छोटे बच्चों में देखा जाता है। अब इसका जो नुकसान है छोटे बच्चों पर, साइड इफ़ेक्ट्स है, वो क्या क्या है। सबसे पहले तो सिर दर्द, सुबह छोट जब बच्चा उठता है तो वो सिर दर्द की कंप्लेन करता है, हेडेक की कंप्लेन करता है। सेकंड प्रमुख साइड इफ़ेक्ट है दांत पीसने की वजह से जो अपने दांत के ऊपर का जो इनेमल होता है, प्रोटेक्टिव कवर होता है, वो घिस जाता है और उस वजह से जो दांत है सेंसिटिव हो जाते हैं। और तीसरा, किसी भी तरह का दर्द देखने मिलेगा बच्चे में, कान में, फेस में पेन, ये दर्द की कंप्लेन करेगा। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कुछ नुकसान हैं जो दांत पीसने की वजह से देखे जाते हैं। दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि इसका इलाज कैसे करना। बहुत ही सरल इलाज है, कोई भी टेंशन की बात नहीं। सबसे पहले जो अच्छी खबर ये है कि मोस्ट चिल्ड्रन आउटग्रो, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं इस समस्या से अपने आप बाहर निकल जाते हैं, उसको हम बोलेंगे मोस्ट चिल्ड्रन आउटग्रो दिस प्रॉब्लम। जैसे जैसे बड़े होंगे इस समस्या का अपने आप इलाज होता जाता है। और फिर भी ऐसे लगे आपको कि समस्या दूर नहीं हो रही तो आप एक स्पेशल नाइट गार्ड आता है जो डेंटिस्ट आपको मदद करेंगे, रात के समय में बच्चे को हम लगा सकते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पेशल नाइट गार्ड, जिसके अंदर जो दांत होते हैं उनमें गार्ड लग जाता है ऊपर और नीचे की तरफ, जिनसे टीथ ग्राइंडिंग की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सही हो जाती है। हाँ, कुछ समय जरूर लेगा ये, पर इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो आप डेंटिस्ट से मिलेंगे, वो आपको कैसे लगाना है स्पेशल नाइट गार्ड ये बताएंगे। दूसरा ध्यान रखना है कि छोटे बच्चों को रिलैक्स रखना है हमको, उनको स्ट्रेस में नहीं रखना है। ये याद रखें कि रात को जब बच्चों का सोने का समय आ जाता है, मानो कि हम बच्चा हमारे 9 बजे सुलाते हैं, तो उससे कम से कम 2 से 3 घंटे पहले, यानी कि मानो 7 बजे, 7 बजे से पहले जो भी टीवी मोबाइल है वो सब देख ले, 7 से 9 बजे तक, यानी सोने से 2 से 3 घंटे पहले बच्चों को मोबाइल, टीवी, इस तरह के डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना है। उनको हल्का म्यूज़िक सुन सकते हैं, कुछ न्यूज़ बुक, कॉमिक बुक्स पढ़ सकते हैं और हल्का शावर, वार्म बाथ शावर ले सकते हैं। इस तरह से बच्चा सोने से 1-2 घंटा पहले रिलैक्स रहे और विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन आराम से अपनी नींद ले, तो ये बात का हम ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, अगर इसका जो आप मेडिसिन देना चाहेंगे, आप मेडिसिन की कुछ हेल्प लेना चाहेंगे, तो इसमें हमने देखा एक आयुर्वेदिक सिरप आता है दवा का जो हम आपको बता रहे हैं, उसको हम बोलते हैं सिरप मैंटेट। सिरप मैंटेट जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सिरप मैंटेट में एक अश्वगंधा, ब्राह्मी और मंडूक पर्णी जैसे कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं जो ब्रेन सूदिंग है, जो हमारे ब्रेन को, बच्चों के ब्रेन को सूद करते हैं, उनको रिलैक्स करके टीथ ग्राइंडिंग की समस्या से दूर करते हैं। हम इन छोटे बच्चों को वर्म्स के लिए डीवर्म करना ज़रूरी है, यानी पेट में कोई कीड़ा ना हो इसलिए डीवर्म करना ज़रूरी है। जैसे सिरप बैंडी प्लस आता है मैनकाइंड कंपनी का, सिरप जेंटेल आता है, ताकि 6 महीने में एक बार बच्चों को डीवर्म करना ज़रूरी, पेट का जो कीड़ा है उसको हमको मारना ज़रूरी होता है। और तीसरा, हम बच्चों को पिला सकते हैं टर्मरिक मिल्क, यानी कि हल्दी दूध, इसका भी अच्छा
एक्शन रिजल्ट देखने मिलता है। तो दोस्तों आज हमने आपको छोटे बच्चों में जो देखी जाती आम समस्या दांतों का पीसना टीथ ग्राइंडिंग ब्रक्सिज्म के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है। आशा करते हैं वीडियो आपकी उपयोगी होगा, इसको आप लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। हम अगर आप हमारे चैनल पर नए कृपया सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे वीडियोस हम आपको और लाकर दे सकें। दोस्तों आप अपना अपने परिवार का खूब ध्यान रखेंगे। मैं डॉक्टर योगेंद्र मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।